आज हम बनाएंगे कंडेंस्ड मिल्क। मेरी वीडियो रेसिपी पसंद आए तो शेयर और लाइक जरूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कंडेंस्ड मिल्क बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स भी कुछ खास नहीं चाहिए। हमें जो लिया है इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हमने लिया है, आधा किलो दूध लिया है, 100 ग्राम चीनी एक बाउल छोटा, और एक पिंच हमने बेकिंग सोडा लिया है। कंडेंस मिल्क बनाने के लिए सबसे पहले हमने गैस पे पैन गरम करने रख दिया है, और जो आधा लीटर हमने दूध लिया था वो हमने पैन में डाल दिया, और ये उबला हुआ दूध है फ्रिज में रखा हुआ था, इसको हम गरम कर लेंगे। दूध हमारा गरम हो गया अच्छे से, अब हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी डाल के इसको हम उबालेंगे अच्छे से, और तब के उबालेंगे जब ये थोड़ा थिक हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्वांटिटी भी कम हो जाएगी इसकी। इसको हम स्लो गैस के पे भी उबलना रख सकते हैं, अच्छे से आराम से उतरेगा, लेकिन हम मीडियम गैस पे बनाएंगे और इसको हम हिलाते रहेंगे, स्टेयर करते रहेंगे जब तक ये क्वांटिटी में आधा ना हो जाए। धीरे धीरे हमें इस पे हिलाते रहना पड़ेगा। ये हमारा नॉन स्टिक पैन है इसलिए इसमें नीचे लगेगा नहीं, लेकिन फिर भी हमें स्टिर करना है थोड़ा। इसके लिए हमें बहुत पेशेंस चाहिए, इसमें आधा घंटा के करीब लग जाता है इसको उबलने में, और बीच में हमें ध्यान रखना पड़ता है साइडों से जो मलाई होती है उसको भी हम इसको वापस दूध में डाल देंगे ऐसे साइडों से। थोड़ा थिक होने लग गया है और कलर भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है। जब ये और ज़्यादा थिक हो जाएगा तो कलर इसका चेंज हो जाएगा बिल्कुल। ये देखिए अब हमारे चीनी एकदम से कैरमलाइज होनी शुरू हो गई है। इसको हम थोड़ा सा और पकाएंगे। कलर भी देखिए एकदम चेंज हो गया है, येलोइश हो गया है। हम इसे एक पिंच ऑफ बेकिंग सोडा डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। बेकिंग सोडा डालने के बाद ये ऊपर उबाल आएगा, घबराएं नहीं, इसको धीरे धीरे चलाते रहें। थोड़ी देर में ये ठीक हो जाएगा। इसको अच्छे से चलाते रहें धीरे धीरे, थोड़ी देर पकाना है बस। इसका कलर फिर से येलोइश हो जाएगा, अभी थोड़ा वाइट हो गया था, अब ये फिर से येलोइश हो जाएगा। अब ये देखें हमारा कंडेंस्ड मिल्क बिल्कुल अब येलोइश दोबारा से हो गया। अब ये बनके, अब ये हमारा कंडेंस्ड मिल्क बनके एकदम रेडी हो गया है। अब इसको एक बाउल में निकाल के ठंडा करके स्टोर कर सकते हैं। इसको हम किसी भी मिठाई में डाल सकते हैं, आइसिंग वगैरह, कोई स्वीट खीर बनानी हो, कुछ बनाना हो तो उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इसका टेक्सचर देखिए कितना स्मूथ हो गया, कलर भी देखिए एकदम गोल्डन ब्राउन सा हो गया। ये हमारा कंडेंस्ड मिल्क बनके रेडी हो गया है। इसको हम किसी भी स्वीट डिश में डाल सकते हैं, खीर बनानी हो, आइसक्रीम बनानी हो, किसी में भी डाल सकते हैं। मेरी वीडियो रेसिपी पसंद आए तो शेयर और लाइक जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।